गाइस मुझे लगता है जान सकती मम्मा ने व्लॉग ऑन नहीं किया क्योंकि अभी भी मम्मा सो रही है भाई। अरे यार मैं तो परेशान हो गया, स्कूल से आया हूँ और अभी अभी कपड़े चेंज करे, माइंड लगाया गाइस यू हेलो गाइस और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मम्मा सो रही है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मम्मा का गला खराब हो रहा है, ठंड लग रही है फिर भी पंखा ऑन है और मम्मा सो रही है, मम्मा को लग रही है ठंड, गले में वही दिक्कत है ये थर थर वाली थर थरास जो भी होती है। मैं आपसे मिलूंगा मोटा व्लॉग में। तो गाइस मैं सो करके उठ चुकी हूँ क्योंकि असल में क्या है, सोना मेरे को इसीलिए पड़ा क्योंकि ये दवाइयाँ ले रही हूँ गले की, तो उस वजह से ना फिर नींद आ जाती है गले की दवाई से और गले को आराम तो मेरे अभी भी नहीं आया, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है गला और गले के चक्कर में फिर फीवर हो जाता है तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है तो फिर कंबल लेके पड़े जाती हूँ फिर बिस्तर पे। बाहर से जब से हम लोग होकर के आया ना तभी से ही मैं बीमार पड़ी हुई हूँ, तभी से ही गला खराब वगैरह हो रखा है और बाहर का बंद नहीं हो पा रहा खाना पीना, इतने दिनों से बाहर का चल रहा है। अब कोशिश करूँगी कि बाहर का मैं बिल्कुल भी ना खाऊँ, कल से कोशिश करूँगी खिचड़ी बनाने की, आज तो बिल्कुल भी सुबह से हिम्मत नहीं थी, बहुत मुश्किल से मैंने उठ के राजमा चावल बनाए थे। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ आर्यन का स्कूल का काम, एक हफ्ते का जो पेंडिंग पड़ा हुआ था तो वो काम करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि आर्यन तो अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेगा ना, तो उसको लर्निंग वर्क वगैरह करना पड़ेगा, तो रिटर्न वर्क मैं इसका देखती हूँ कंप्लीट कर लेती हूँ किसी तरीके से जल्दी तभी मैं ब्लॉगिंग वगैरह ना अभी थोड़ी कम ही करूँगी, फटाफट पहले इसका वर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद मिलूँगी फिर आपसे अच्छे से, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में मैं मिल लूँगी आपसे, बाकी जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो ब्लॉगिंग चलती ही रहेगी, पहले पढ़ाई ज़रूरी है गाइस। नेक्स्ट मंथ 12 तारीख से इसके एग्ज़ाम शुरू है मिड सेकेंड टर्म के और 14 सितंबर को है आर्यन का जन्मदिन, उस दिन मेरे ख्याल से छुट्टी है इसकी, सेकंड सैटरडे है, मैंने डायरी में चेक किया था तो कहता कि मम्मा मैं 13 को टॉफीज लेकर के जाऊंगा स्कूल में, मैंने कहा ओके तो बाकी देखते हैं तब की तब देखेंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं सितंबर में यार। कल है आर्यन की मासी का बर्थडे बट वो जा रही है वृंदावन, तो गाइस मैं फटाफट से आर्यन का काम कम्प्लीट कर लूँ फिर मैं मिलती हूँ, अभी तो मैं इंग्लिश का ही कर रही हूँ, बाकी देखती हूँ जितना हो सके, एक हफ्ते का पेंडिंग है यार, एक हफ्ते का काम है, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है इसका पेंडिंग, चलो करती हूँ पहले जितना हो सकता है फिर मिलती हूँ आपसे। तो बच्चों की ना राइटिंग में काम करना बहुत मुश्किल है, माइक ऑन है ना, हाँ ऑन है, बच्चों की राइटिंग में काम करना बहुत मुश्किल है यार क्योंकि तो अपनी राइटिंग में कर दिया तो फिर मैडम लिख करके भेज देगी, मेड बाय पेरेंट्स, पहले भी लिख के भेज दिया था, इसका जो हॉलीडे होमवर्क का जो प्रोजेक्ट था ना इसने किया नहीं था, मुझे करना पड़ा था तब भी, तो मैम ने लिख करके भेज दिया था, फोर्थ की बात है ये अब की नहीं फोर्थ की, तब भी मैम ने लिख के भेज दिया था मेड बाय पेरेंट, इतना तो मैंने कर दिया, देखते हैं यार क्या है ये हो क्यों नहीं रहा, ये बस थोड़ा सा ही रह गया, 2-3 पेज का और रह गया गाइस। टाइम देखिए 8 बज गए हैं, आर्यन गया है बाहर परी के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, कह रहे मम्मा मैं बार बार राजमा चावल नहीं खा सकता इसलिए वो बाहर गया अपने लिए रोल लेने के लिए, मैं नहीं खाऊंगी या मेरी पूरी ना शक्ल ही उतर गई है, देखना ऐसा लग रहा पता नहीं कितनी ज्यादा बीमार हूँ मैं। बाकी सूरज जी आ जाए नहीं यार अभी तक, दोपहर को भी नहीं आए, एक टाइम घर पे आ जाते हैं ना तो ठीक रहता है, ऐसे मन नहीं लगता फिर पूरा दिन, अभी भी मैं उनको बार बार फोन करी जा रही हूँ कि आ जाओ भाई अब तो आ जाओ, कह रहे अभी आ रहा हूँ बस, बाकी देखो कब तक आते हैं। आर्यन अपने लिए लेकर के आया है काठी रोल, तो जी भी आ गए हैं क्या, हाँ जी पहले हैंड वॉश कर लो, देखा गाइस कितनी अच्छी गुड हैबिट है, बाहर से आते ही पहले हैंड वॉश करिए आप सब भी, फिर बच्चों के पास जाइए, ये सब हमने सीख लिया कोरोना में, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हैंड वॉश करना,
कपड़ों को रोज चेंज करना, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना बाहर कहीं हो कि ताकि जन्म साफ से दूर रहे और हम खुश रहें। मिलते हैं थोड़ी देर में टाइम लेने के बाद। सूरज जी मेरे लिए इधर दवाइयाँ लेकर के आ चुके हैं गले की, मेरी मेरी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी गंदी गंदी, तो मिलती हूँ दवाई खाने के बाद। तो गाइस दवाइयाँ मैंने खा ली हैं गंदी गंदी। तो गाइस आज इनका काम देखो कितना सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, सारा सामान फैला हुआ है, ये देखिए कॉपी किताबें कैसे फैली हुई हैं इसकी। और ये इसका वर्क कर रही हूँ मैं, इंग्लिश का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ काम, शाम से लगी पड़ी हूँ काम करने इसका, अभी भी दो पेज रहते हैं इंग्लिश के इसके, उसके बाद ही ख़त्म होगा। बाकी कल देखूँगी, कल करूँगी साइंस का, तो जो उनसे जो नहीं मेरे ख्याल से वो तो नहीं है, स्कूल से आएगा तभी हो पाएगा काम इसका, क्योंकि स्कूल भी नोटबुक्स वगैरह लेके जानी पड़ेंगे ना, मैम बोलेंगी वरना। तो गाइस मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा बना है, मैं व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पर ही, कल मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ। होप करती हूँ कि कल सुबह तक मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँ, दवाई तो ले ली है, चेंज करके लाए सूरज जी, कल तक अच्छे से ठीक हो गई तो मैं व्लॉग सुबह ही स्टार्ट कर दूँगी, नहीं ठीक हुई तो फिर कुछ नहीं कर सकते फिर इसमें। तो बाय बाय गाइस।